अत्र भवद्भिः स्वामिवर्याणां परमोदारचेतसाम् औदार्यगुणविशेषेण वर्णितः महाकाव्यस्यास्य रचयितारः श्रीमन्तः आर्यमहाभागाः माम् उक्तवन्तः यत् मया सामान्येन चर्चा कृता स्वामिवर्याणां सम्मुखे तर्हि ते परमोदारचेतसा स्वपक्षतः एवम् उक्तवन्तः यत् काव्यस्य विमोचनम् अत्र कुर्वन्तु हिमाचलस्य सर्वेपि विद्वांसः सन्ति तान् सर्वान् आमन्त्रयतु सर्वेषां गमनागमनव्ययं सर्वेषाम् अत्र भोजनादिव्यवस्थां सर्वेषां सम्माननं कृत्वा वयं श्रद्धापूर्वकं करिष्यामः इति तेषां परमोदारत्वं तु भृशं विख्यातम् अस्ति तेषाम् औदार्येणैव एतादृशोऽयं शुभदिवसः समागतः यदि हिमाचलस्य एते महन्तः विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति परगुणपरमाणून् पर्वती कृत्यनित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः अहं स्वयमपि अनुभवामि ये गुणवन्तः सन्ति येषां स्वल्पोऽपि गुणलेशः दृश्यते स्वामीवर्यः परमोदारचेतसा तेषां परमं प्रोत्साहनं कुर्वन्ति अयं तेषां गुणः मम दृष्टौ तु सर्वगुणशिरोमणिरूपेण जनतायाः प्रेरकत्वेन दृश्यते तर्हि वयं तान् प्रति भृशं कृतज्ञाः स्मः इतः परम् अस्य काव्यस्य ये वर्णविभूताः सन्ति अत्र भवन्तः श्रीमन्तः केशवरामशर्माणः नितरां पूतचरितः सौम्याः अवदातमूर्तयः तान् अहम् आमन्त्रयामि यत् ते स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति अत्र भवन्तः केशवरामशर्माणः मत्तः पूर्वं यैरपि त्रिभिः चतुर्भिर्वा विद्वद्भिरुक्तं तै भाषणम् एव प्रायः प्रदत्तम् अहं कथितः आसं यत् तत्र कविसम्मेलनमपि भविष्यति तदंशपूर्त्यै एव अहम् अत्र समागतोऽस्मि एकां कवितां श्रावयिष्यामि अधिकं न किमपि वक्ष्यामि तस्याः कवितायाः विषयः साम्प्रतिकस्य गोष्ठी सत्रस्य सम्पृक्तः एव अस्ति सर्वेषां विदुषां कृते एव मया इयं कविता निवेद्यते कवितायाः विषयः अस्ति वैदुषी वैखरी मञ्जुगुञ्जायते वैदुषी वैखरी मञ्जुगुञ्जायते यद्यपि आयुषो आधिक्यात् नास्ति गाने अहं क्षमः तथापि ईदृग्विधे विदुषां समवाये मनः उत्कण्ठितं भवति गातुं च उत्कं भवति इति कृत्वा गायनेव अहम् इमां कवितां निवेदयामि सा चेत्थं सन्ति तेजस्विनो देशमध्ये बुधः सन्ति तेजस्विनो देशमध्ये बुधः स्तेन हर्षान्वितं जायते मे मनः सन्ति तेजस्विनो देशमध्ये बुधः तेन हर्षान्वितं जायते मे मनः अन्धकारै परीता निशा यद्यपि अन्धकारै परीता निशा यद्यपि वदन्तु सर्वेपि सर्वतो वारिवाहैर्निगीर्णा दिशः सर्वतो वाहि निगीर्णा दिशा मञ्जुलां भोजिनी जीवनाधायकः मञ्जुलां भोजिनी जीवनाधायकः नास्ति दूरे परं किन्तु सूर्योदयः नास्ति दूरे परं किन्तु सूर्योदयः
अस्ति सत्ता रवे रांध्य विध्वंसिनी अस्ति सत्ता रवे रांध्य विध्वंसिनी अस्ति सत्ता रवे रांध्य विध्वंसिनी तेन हर्षान्वितं जायते मे मनः संति तेजस्विनो देश मध्ये बुधा स्तेन हर्षान्वितं जायते मे मनः कंटकानां वितानं श्रुतं यद्यपि कंटकानां वितानं श्रुतं यद्यपि कंटकानां वितानं श्रुतं यद्यपि वल्लरी वल्लरी देहयष्टिः प्रणष्टच्छटा वल्लरी देहयष्टिः प्रणष्टच्छटा पुष्पगुच्छोद्भवं किन्तु तत्सौरभं मार्जयेदश्रुधारां अलं चिन्तया पुष्पगुच्छोद्भवं किन्तु तत्सौरभं मार्जयेदश्रुधारां अलं चिन्तया गन्धवाहप्रवाहो लतां स्पृक्षति गन्धवाहप्रवाहो लतां स्पृक्षति तेन हर्षान्वितं जायते मे मनः इदं विशेषतः सावधानं श्रोतव्यमस्ति यद्यपि श्वेतता वर्धते शोणिते यद्यपि श्वेति खून सफेद हो गया है वो लाली नहीं रही देश के प्राण भवतां सूख रहे तेजः दृश्यते यद्यपि श्वेतता वर्धते शोणिते रिक्तता रक्ततायास्तु नाद्यावधि रिक्तता रक्ततायास्तु नाद्यावधि अक्षिणी घूर्णिते पक्ष्मणी वानते अक्षिणी घूर्णिते पक्ष्मणी वानते जागृतिर्निर्जुता जागृतिर्निर्जिता नाधुना निद्रया जागृतिर्निर्जिता नाधुना निद्रया जाड्यजेत्री मतौ वर्तते चेतना जाड्यजेत्री मतौ वर्तते चेतना तेन हर्षान्वितं जायते मे इदमपि अवधेयं सिंहशावः श्रृगालायिता यद्यपि शेर के बच्चे लगता है सियार बन गए हुए हैं बड़ी गहरी चोट है पाश्चात्य संस्कृति के सिंहशावाग श्रृगालायिता यद्यपि कुक्षी मध्यापि सिंही बिभर्त्युर्वराम सिंहशावा श्रृगालायिता यद्यपि कुक्षी मध्यापि सिंही बिभर्त्युर्वराम यज्ञविघ्नं विधातुं रता दानवः यज्ञविघ्नं विधातुं रता दानवः नास्ति दूरे परं राघवेन्द्रागमः यज्ञविघ्नं विधातुं रता दानवः नास्ति दूरे परं राघवेन्द्रागमः कौशलेन्द्रप्रतापोदयः श्रूयते कौशलेन्द्रप्रतापोदयः श्रूयते तेन हर्षान्वितं जायते मे देववागिन्दिरा मन्दिरे दीपिका देववागिन्दिरा मन्दिरे दीपिका म्लानिमानं तु याता न निर्वापिता देववागिन्दिरा मन्दिरे दीपिका म्लानिमानं तु याता न निर्वापिता तैलसञ्जीवनी पात्रहस्ताबुधा तैलसञ्जीवनी पात्रहस्ताबुधा पंक्तिबद्धा स्थितास्तर्हि मा चिन्तया
तैल संजीवनी पात्र हस्ताबुधा पंक्तिबद्धा स्थिता स्तरहिना मा चिंतया साधु साध्य प्रबोधो वरी वर्धते साधु साध्य प्रबोधो वरी वर्धते तेन हर्षान्वितं जायते मे मन। विशेषतः इमान कवीन उद्देश्य लिखितमस्ति। कालिदासायते कोपि हर्षायते कालिदासायते कोपि हर्षायते कोपि माघायते अन्यस्तु बाणायते को भी माघायते अन्यस्तु बाणायते सत्सु तेषु प्रयातेष्वपि अंधरा सत्सु तेषु प्रयातेष्वपि अंधरा वाचि वर्षो धरा नैव शून्यायते सत्सु तेषु प्रयातेष्वपि अंधरा वाचि वर्चो धरा नैव शून्यायते वैदुषी वैखरी मंजु गुंजायते वैदुषी वैखरी मंजु गुंजायते तेन हर्षान्वितं जायते मे मन। परमः धन्यवादः इत्युक्त्वा विरवामि। धन्यवादः। भवन्तं श्रुत्वा श्रुत्वा सर्वेपि हर्षिताः भवन्ति। दृष्ट्वा दृष्ट्वा दृष्टं दृष्ट्वा तेन हर्षान्वितं मे मनोजायते। बहुशोभनम्। एतेषां जीवने साधुता एते यद्यपि गृहस्थाः सद्गृहस्थाः परन्तु एतेषां जीवने साधुता वर्तते। ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ये संस्कृतं पठन्ति ये वेदम् अनुसरन्ति ये वैदिकाः सन्ति ये शास्त्रज्ञाः ये ऋषीणां चरितम् अनुसरन्ति तेषां जीवनं तु ऋषिवत् भवेदेव। तादृशाः एतेषां चरित्रं वर्तते। तादृशं चरित्रमस्ति एतेषाम्। एवं भवेत् संस्कृतज्ञानां चरित्रं। यतोहि वयं योगं तु कुर्मः परं योगवैभवं यदि अस्माकं जीवने न दरीदृश्यते चेत् योगस्य प्रति अनास्था भवति लोके। वयं वैदिकाः यदि अस्माकं जीवने दरिद्रता वर्तते वैचारिकदरिद्रता आर्थिकदरिद्रता दैन्यं वर्तते वीरता शौर्यं स्वाभिमानम् अस्माकं जीवने यदि नास्ति वयं वैदिकाः यदि अस्माकं जीवने विद्यावैभवं योगवैभवं ब्रह्मवैभवं ब्रह्मतेजादिकं न वर्तते ते पुनः जनाः किं पश्यन्ति भो एषः वैदिकः वर्तते एतस्य जीवने तु दारिद्र्यमेव वर्तते वैदिकम् एतत् वैदिकाः तु दरिद्राः भवन्ति अहं न भविष्यामि वैदिको। एतादृशी भावना जनेषु जनानां मनसि उदयति एतत् न शोभनं। तथा अहं विचारयामि स्म यतोहि मया गन्तव्यमस्ति भवद्भिः गोष्ठी विधेया अग्रेपि तथा अहं विचारयामि स्म यत् एते विद्वांसः अत्र सन्ति प्रथमतः तु एतेषां विद्यावैभवं विवर्धितं यतोहि एतैः एक एकक्षणे पुरुषार्थः विहितः क्षणतत्क्रमयोः विवेकजं ज्ञानम् एक एकक्षणं यः पुरुषार्थं करोति तस्य जीवने विद्यावैभवं चारित्र्यवैभवम् अर्थवैभवं सर्वसामर्थ्यं विभूतिः सिद्धिः शब्दप्रयोगः कः अपि भवेत् शब्दस्य महिमा न वर्तते तस्य जीवने सर्वप्रकारस्य वैभवम् ऐश्वर्यं विवर्तते। भगवान् ईश्वरस्य नाम ईश्वर ईश्वरः नाम एव तदर्थं वर्तते यतोहि
सर्वम अपि वैभवम ऐश्वर्यम भगवती वर्तते। अस्माकं जीवने वेद वैभवम योग वैभवम तथा संस्कृतस्य संस्कृतेः वैभवं निरन्तरं वर्धयेत्। वयम् एनं वैभवं वर्धयिष्यामः। तदर्थं भवन्तः सर्वेपि कृतसङ्कल्पाः सन्ति। प्रारम्भे अस्माकं कविराजमहोदयेन यथा निगदितं यत् न केवलम् अस्माभिः संस्कृतमेव पठनीयमस्ति, संस्कृतेन सह सर्वप्रकारस्य विद्यावैभवं काव्यवैभवमपि अस्माकं संस्कृतस्य संस्कृतेः वैभवं वर्तते। तथा च न केवलं भाषायाः वैभवमेव अस्माकं जीवने भवेत्। यद्वेदे लिखितमस्ति मम मनसि तु मुहुर्मुहो एषा एव निष्ठा, एष एव विश्वासः, यत् यदपि वेदे लिखितमस्ति तत् सर्वमपि अस्मिन् जगति अस्माभिः जीवन्तं करणीयमस्ति। अभी तक होता क्या था, लोग वेद की महिमा तो गाते थे लेकिन जो वेद में होता था उसको जीवन में जीते नहीं थे। जीना खाली चरित्र के स्तर पर ही नहीं, जो वेद में लिखा है वो सारा हमारे जीवन में आना चाहिए, उतरना चाहिए, घटना चाहिए। जो संस्कृत में लिखा है वो हमारे जीवन में जीवंत होना चाहिए, नहीं तो हमारी महिमा खाली वाक विलास रह जाएगी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, परम तस्मिन् संस्कृते तस्याम, ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है इस संस्कृत और संस्कृति की, उसमें जो लिखा है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए सब प्रकार से, खाली विद्या के स्तर पर ही नहीं, खाली निष्ठा के स्तर पर ही नहीं, खाली कर्म पुरुषार्थ के स्तर पर ही नहीं, हमारे रोम रोम से, हमारे पूरे अस्तित्व से, हमारे पूरे व्यक्तित्व से ये वैदिक संस्कृति ऋषि परंपरा व्यक्त हो, ऐसा जीवन हमको जीना। आज इस विद्वत गोष्ठी में इतने विद्वान यहाँ पर आए हैं, इन विद्वानों ने इस वैदिक संस्कृति के, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने पांच दस पक्षों को, पहलुओं को अपने जीवन में उतारा और एक बहुत ही संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। वैदिक संस्कृति के, वेद विद्या के, ऋषि विद्या के सैकड़ों हजारों पहलू हैं। मैं कई बार बोलता हूँ वेद का मंत्र एक होता है, उसकी साधना में पूरा जीवन लग जाता है। मैंने कई बार कहा मेरे इस पूरे योग साधना का यदि मैं कहूँ तो एक मंत्र का मात्र मैंने आचरण किया है, अवात अवाही भेषजम विवात अवाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। एक मंत्र मैंने खाली जिया है, कार्य के स्तर पर माने एक मंत्र मात्र को जिया है और एक मंत्र को साधने में मुझे लगभग 25 वर्ष लग गए, अभी भी साधना पूरी नहीं हुई है। हमारे प्राचीन जो ऋषि थे ये मंत्र द्रष्टार ऋषय संति तेषाम नाम मंत्र संहितासु वयम पठाम यत एतस्य मंत्रस्य एष ऋषि वर्तते। उस ऋषि ने उस पूरे मंत्र को आत्मसात करने के लिए कितना बड़ा तप किया होगा, हमें तो पूरा इतिहास पता नहीं है, उसके साक्ष्य हमारे पास नहीं है,
लेकिन एक एक मंत्र को साधने के लिए अब हम मंगलाचरण के लिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु इस मंत्र को साधने में तो एक जन्म क्या अनेक जन्म लग जाए और ये मंत्र सिद्ध हो जाए कि हमारे जीवन में लेश मात्र भी कोई दोष दुरित ना हो तब ये मंत्र सिद्धि है। लोग मंत्र सिद्धि कई बार ऐसे मान लेते कि ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये हमें ऐश्वर्य मिलेगा, उसकी भी विधाएं हो सकती हैं, मुझे उसका बोध नहीं है, लेकिन मुझे इतना बोध जरूर है, अनुभूति है, बोध माने अनुभूति, इतना बोध जरूर है कि जैसा हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो वेदों में लिखा है वो शाश्वत सत्य है। यदि वेदों में लिखा शाश्वत सत्य है, यदि क्या हमारा तो पूर्ण विश्वास है, हम आलोचकों की दृष्टि से यदि शब्द बोल रहे हैं तो हमारे लिए तो ये शाश्वत सत्य है, ये तो ब्रह्म वाक्य है हमारे लिए, वेद तो अपुरुषेय है हमारे लिए। तो एक एक मंत्र की साधना में अपना ये पूरा जीवन भी लग जाए तो भी हमारी निष्ठा एक क्षण के लिए भी ना डिगे और कहीं पूर्वाभ्यासों से, बुरे अभ्यासों से, दुरित अभ्यासों से कहीं थोड़ा बहुत विचलन हो तो उसी क्षण संभल जाए। जो बार बार गिरते रहते हैं वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर टूटे फूटे लंगड़े लूलों से दुनिया जीती नहीं जाती है। वीरों के लिए है ये धरती, वीरों के लिए है वेद, वीरों के लिए है ऋषियों का पथ, महावीरों के लिए जो योग पथ पर इस श्रद्धे, हमारे डॉक्टर महावीर जी कह रहे थे इस देवयान मार्ग पर, इस श्रेय मार्ग पर चलने वाले तो महावीर होते, उनका पथ है ये। ऐसे पथ पर आज आप बढ़े हैं, इस पथ के आप हम सब सहयात्री हैं और मात्र संस्कृत का गौरव ये न केवलम भाषाया गौरवम वर्तते, ये संस्कृत का गौरव माने भाषा नहीं है, ये संस्कृत में तो सारी संस्कृति जीवन के ही नहीं जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे अस्तित्व के सारे सत्य संस्कृत में हैं। देखो भाषाएं तो बहुत हैं, उन भाषाओं में जो विद्या परंपरा है इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य कितने। अब आप गुजराती तो पढ़ लेंगे लेकिन गुजराती में कुछ साहित्य भी पढ़ लेंगे, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और दुनिया की जो है इब्रू भाषा से लेकर के फ्रेंच, जर्मन, लैट, अलग अलग, रशियन, इंग्लिश, ये भाषाएं उसमें कुछ कुछ साहित्य भी है, हम उसका अनादर नहीं करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के सारे सत्य किसी भाषा में समाहित हैं तो वो संस्कृत भाषा है, ये इसका वैभव। मैंने अभी पिछले दिनों यहाँ वेद विद्या के कुछ विद्वानों का सम्मान हो रहा था दिल्ली में, तो दो चार टिप्पणियाँ की तो कुछ थोड़े लोगों को रास नहीं आई, लेकिन मैंने कहा देखो वेद विद्या की वैदिक ज्ञान परंपरा की तुलना किसी मजहबी ग्रंथ से नहीं कर सकते, बाइबिल, कुरान ये बहुत अच्छे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, किसी भी महापुरुष की वाणी का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप यदि तुलना करने लगते हैं तो बाइबिल की, कुरान की आप पंचतंत्र के साथ या हितोपदेश के साथ तो तुलना कर सकते हैं, वेदों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं, कितना बड़ा वैभव है हमारा। वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, और मात्र इतना ही नहीं उन काव्यों के रचयिता, उन काव्यों के उद्गाता जो हमारे पूर्वज ऋषि हुए उनका कितना महान जीवन है, और उन पूर्वजों की इस पावनी परंपरा को आत्मसात करके हम इस
वेद विद्या को, योग विद्या को, ऋषियों की विद्या को, संस्कृत विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। यत संस्कृत विदुषाम गोष्ठी भवेत, तेषाम चर्चा भवेत, तेषाम दर्शनम भवेत, तेषाम उपदेशेन, तेषाम सानिध्येन सर्वेषाम अपि ज्ञान वृद्धिर भवेत, एतेषाम उपस्थिति एव, एतेषाम सन्निधि एव अस्माकं शक्ति ही वर्तते। ये अत्र विद्वांसः समागता तहि संस्कृत निष्ठ जीवनम जीवितम्। एते अत्र विद्वांसः सन्ति, तान् अहं पुनः पुनः भूयो भूयः प्रणमामि, तेषाम् अभिनन्दनं करोमि। वयं कृतज्ञाः यत् एते अत्र समागताः, यथा पूर्वं आचार्य प्रचेता महाभागेन निवेदितम् अस्माकं कविवर्यः कथयन्ति यत् अत्र पतञ्जलियोगपीठे सर्वप्रकारस्य औदार्यं वर्तते। अस्माकं किमपि न औदार्यं, न किमपि गौरवम्। एतत् संस्थानं तु संस्कृतस्य संस्थानं वर्तते, वैदिकानां संस्थानं वर्तते। येऽपि वैदिकाः सन्ति, संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये वेदमनुसरन्ति, ऋषिपरम्पराम् अनुसरन्ति, तेभ्यः अस्माकं सर्वस्वं वर्तते, अस्माकं जीवनमेव तदर्थं वर्तते।